और आइए बात पूजा खेडकर की कर लेते हैं। पूजा खेडकर जिन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब उनकी जो मां है वो हवालात पहुंच चुकी हैं और ऐसे में अब तैयारी पूजा खेडकर पर भी बड़े एक्शन की है। और बताया जा रहा है कि उनकी जो आईएएस है वो भी जा सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। पुनीत बिल्कुल, और देखिए यूपीएससी के एक्शन के बाद लगातार मुसीबतों में पूजा खेडकर, और आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब किस तरीके से पूजा खेडकर पर एक के बाद एक मुसीबत जो है वो अब गिरती जा रही है। होने वाला है क्या, पूजा खेडकर गिरफ्तार होंगी? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए हम आपको आईएएस पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फेहरिस्त गिनाने वाले हैं, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि पूजा खेडकर की आईएएस की नौकरी अब जाने वाली है। आपने हाईफाई लाइफस्टाइल को लेकर दिल्ली से मुंबई तक सुर्खियों में रही पूजा खेडकर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर पूजा के आईएएस बनने तक का सफर सवालों के घेरे में है। हर रोज पूजा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, नाम बदलने से लेकर फेक सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप लगे। एक तरफ जहां पूजा खेडकर के ऊपर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से पूछताछ के लिए उन्हें पुणे बुलाया है। दरअसल पूजा खेडकर ने ये आरोप लगाए थे पुणे के डीएम के ऊपर, जब वो बतौर ट्रेनी आईएएस पुणे में तैनात थी, उस वक्त पुणे के डीएम उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। और इन तमाम शिकायतों के बीच अब पूजा खेडकर को एक बार फिर से पुणे बुलाया गया है और पुलिस का यह कहना है कि वो पूजा खेडकर के बयान को दर्ज करना चाहती है। पूजा खेडकर से जुड़े मामले की पुणे पुलिस जांच कर रही है। इन सब के बीच संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा पर जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। पूजा के खिलाफ दायर एफआईआर में दावा किया गया कि उम्र छिपाने के लिए पूजा ने दो बार अपने नाम बदले। ये वो आरोप है जो पूजा पर लगे पिछले सभी आरोपों को और मजबूत करते हैं। कभी वीआईपी सुविधाओं की डिमांड को लेकर बवाल, तो कभी अधिकारियों के सामने आईएएस का रौब दिखाने का आरोप। पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। यही वजह है कि अब नखरेबाज आईएएस अधिकारी पर एक्शन होना शुरू हो गया। यूपीएससी ने नोटिस जारी कर पूजा खेडकर से जवाब मांगा। पूजा खेडकर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा यूपीएससी की जांच में सामने आया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट भी बदले थे और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा एग्जाम जो थे यूपीएससी के दिए थे। सिर्फ पूजा खेडकर ही नहीं, उनके परिवार पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। किसानों को धमकाने के मामले में पूजा की मां मनोरमा खेडकर गिरफ्तार हो चुकी हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा के पिता दिलीप खेडकर जाँच एजेंसियों के रडार पर है। कुल मिलाकर पूरा परिवार जाँच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूजा खेडकर की अब पूरी कुंडली खुलती जा रही है और पोल भी खुलती जा रही है। अब ए टू जेड आपको बताते हैं कि पूजा खेडकर की फैमिली का क्या बायोडाटा है। खेडकर फैमिली का ए टू जेड समझाते हैं। ये देखिए पूजा खेडकर की फोटो भी आप देख रहे हैं। पूजा खेडकर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट का आरोप इन पर लगा है और पूरे मामले में जांच हो रही है और एक के बाद एक फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आ रहा है। फिर बात उनकी माता की, मां की करते हैं मनोरमा खेडकर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और पिस्टल के दम पर धमकाने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जहां ना सिर्फ किसानों को, मीडिया कर्मियों को भी वो धमकाती दिखाई दे रही थी। फिर बात उनके पिता दिलीप खेडकर की, जिन्हें अवैध संपत्ति निर्माण के आरोप में बातचीत भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। महाराष्ट्र एसीबी की टीम जांच में उनसे जुटी हुई है, उनकी जमानत की खबर भी मिली थी। पूजा खेडकर की बात करें तो फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का आरोप है, उन्होंने आंख में परेशानी बताई थी लेकिन जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। मनोरमा की बात करें, उनकी माता कंपनी पर संपत्ति कर बकाया, ये भी बात सामने निकल कर आई। और दिलीप खेडकर, महाराष्ट्र एसीबी की टीम जांच में जुटी हुई है उनके पूरे मामले पर। तो पूजा खेडकर की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब पूरे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पर्सनल गाड़ी, कैबिन मांगने का आरोप, वो चैट भी हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था कि किस तरीके से पर्सनल गाड़ी की डिमांड, नीली बत्ती गाड़ी पर वो घूमा करती थी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनोरमा खेडकर की पिस्टल जब्त कर ली गई है, लाइसेंसी पिस्टल जब्त हुई है। मनोरमा खेडकर जो कि
आईएएस पूजा खेड़कर की मां है, उनका धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। वो कई दिनों से उनकी तलाश में टीम जुटी हुई थी। पुणे पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। तो पुणे में मनोरमा खेड़कर के घर से महंगी कार भी जब्त कर ली गई है और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। तो आईएएस पूजा की पोल खुलती दिखाई दे रही है और मनोरमा खेड़कर की लगातार पूछताछ उनसे हो रही है और पिस्टल जब्त कर ली गई है। तो ये पूजा खेड़कर से जुड़ा अपडेट प्रगति आपको बता रही थी। और आइए अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों सातवें आसमान पर है। चार पांच दिनों की अगर बात करें तो चार पांच दिनों से तो लगातार जो सियासी हलचल है वो उत्तर प्रदेश में तेज देखने को मिल रही है। असल में लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन तमाम जो कयास थे वो धरे के धरे रह गए। अब ये ऑफर पर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो मानसून ऑफर है ये किसको मिल रहा है और ये मानसून ऑफर है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूं तो मौसम गर्मी का है पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान सुन। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के बयान मानसून ऑफर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में अकेले 312 और सहयोगी दलों के साथ 325 सीटों पर कब्जा किया था। वही मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली। इतना होने के बावजूद अखिलेश ने कि मानते ही नहीं, आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी और ट्वीट करके राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं। एक बार फिर अखिलेश ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे अब ये तो तय है कि अखिलेश के ट्वीट पर फिर से सियासी गहमा गहमी तेज हो जाएगी, लेकिन आने वाले उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना मैंडेट देती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।